जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आप लोगों में सबसे ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए थे मेरी पिछली वीडियोस पर कि महाराज जी की आगामी कथा कब है, महाराज जी का जो अगला कार्यक्रम है वो कहाँ है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। इसके साथ साथ बिना टोकन के दरबार, बिना नंबर के दरबार अब आगे कहाँ लगने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो शुरू कर उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बागेश्वर धाम से जुड़ी कोई भी अपडेट यदि मैं अपने चैनल पर डालता हूं, तो आप तक वह सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तो देख लीजिए आप कि अगली जो महाराज जी की कथा है वो कहाँ है। तो हमारे पूजनीय श्री बागेश्वर धाम सरकार का आगामी कार्यक्रम है वो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर है। जी हाँ, अब बागेश्वर धाम के प्रत्येक भक्त के लिए एक बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार की जो कथा है भोपाल वाली वो समाप्त हो चुकी है। उसके बाद से महाराज जी सीधे 15 दिनों के लिए धाम पर ही हैं। जी हाँ, महाराज जी की जो कथा है वह 6 तारीख से प्रारंभ होगी और 13 जुलाई तक चलने वाली है। इसके साथ साथ इसमें 3 दिनों का दिव्य दरबार भी लगेगा, वो भी मैं आप लोगों को तारीख और समय बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कार्यक्रम के बारे में। तो महाराज जी का 4 जुलाई को जन्मदिन है। जी हाँ, महाराज जी का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाना है, वो भी धाम पर। तो यदि आप लोग उसमें पहुंच सकें तो अवश्य पहुंचें और महाराज जी के दिव्य दर्शन उनके जन्मोत्सव के दिन अवश्य करें। इसके बाद 6 जुलाई से और 13 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा छतरपुर में ही होने जा रही है, वो भी धाम पर। जी हां, बागेश्वर धाम पर महाराज जी की श्रीमद् भागवत कथा 6 से 13 जुलाई तक चलेगी और इसमें 3 दिनों का दिव्य दरबार भी लगेगा, वो भी बिना टोकन और बिना नंबर वाला। उसकी तारीखें मैं आप लोगों को बता दूं तो 6 तारीख से कथा प्रारंभ होगी और 7, 8 और 9, जी हाँ, 3 दिनों का दिव्य दरबार लगेगा। समय है 11 बजे से 1 बजे तक। समय और तारीख का विशेष ध्यान रखें। यदि आप धाम पर पहुंच सकें, अपनी अर्जी आपको लगानी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा आप पर होती है, बालाजी सरकार की आप पर कृपा होती है, तो आपका नंबर अवश्य लगेगा, आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। इसके साथ साथ भभूति वितरण कार्यक्रम भी इसमें होगा और अन्य कार्यक्रम भी होंगे और महाराज जी के दिव्य दर्शन तो आप अगले 15 दिन तक कर ही सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी आऊँगा एक नई टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।